ऑल राइट गाइस, तो हम फुल टीयर डाउन करने वाले हैं JBL Flip 3 स्टेल्थ एडिशन का। तो अगर आप इसकी अनबॉक्सिंग एंड डिटेल रिव्यू देखना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन में आप चेक कर सकते हैं एंड नीचे डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो इसको ओपन करने के लिए सबसे पहले इसकी जो फ्रंट स्पीकर ग्रिल है हमको ये निकालनी होगी। तो इसको निकालने के लिए सिर्फ हमें यहाँ से इसको पुल करना होगा। एंड उसके बाद इसकी स्पीकर ग्रिल निकल जाएगी इस तरीके से। तो इसकी स्पीकर ग्रिल प्लास्टिक बिल्ड है, जैसे आप देख सकते हैं प्लास्टिक पर फाइबर मटेरियल यूज़ किया गया है। तो अब इसका ये वाला पैनल हम बाहर निकाल लेते हैं। तो ये पैनल बाहर निकालने के लिए यहाँ पे चार स्क्रू दिए गए हैं, दो इस तरफ हैं एंड दो यहाँ पर हैं। तो चारों को हम ओपन कर लेते हैं। तो चारों स्क्रू हमने खोल दिए हैं, इसके बाद इसका जो ये वाला पैनल है बाहर आ जाएगा इस तरीके से। एंड ये बाहर आ चुका है। तो अब इसके दोनों बेस रेडिएटर हम बाहर निकाल लेते हैं। तो इसको निकालने के लिए यहाँ पे चार चार स्क्रू दिए गए हैं दोनों तरफ, तो सबको हम ओपन कर लेते हैं। तो दोनों तरफ के स्क्रू हमने ओपन कर लिए हैं। अब इसका बेस रेडिएटर हम बाहर निकाल लेते हैं। तो ये यहाँ पे पेस्टेड है, इसको निकालने के लिए हमें यहाँ से इसको पुल करना होगा। एंड ये निकल चुका है। तो सेकंड वाला भी हम निकाल लेते हैं। तो ये रहे इसके दोनों बेस रेडिएटर एंड दोनों काफ़ी अच्छी क्वालिटी के हैं। तो अब इसका आयो कंपार्टमेंट हम खोल लेते हैं। इसको खोलने के लिए यहाँ पे दो स्क्रू दिए गए हैं। तो दोनों स्क्रू ओपन हो चुके हैं, इसके बाद जो उसका कवर है बाहर आ जाएगा इस तरीके से। इसके बाद इसके राइट साइड में दो स्क्रू दिए गए हैं, दोनों को हम ओपन कर लेते हैं। तो दोनों स्क्रू ओपन हो चुके हैं, इसके बाद इसको हम बाहर निकाल लेते हैं। तो इसके मदरबोर्ड को बाहर निकालने के सबसे पहले हम इसके सभी कनेक्शन बाहर निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले इसका बैटरी कनेक्शन हम निकाल लेते हैं। ये निकला इसका बैटरी कनेक्शन। तो मदरबोर्ड को निकालने से पहले इसके स्पीकर हम निकाल लेते हैं बाहर। दोनों में चार चार स्क्रू दिए गए हैं, सबको हम ओपन कर लेते हैं। तो सभी स्क्रू हमने खोल दिया, इसका स्पीकर हम बाहर निकाल लेते हैं। तो ये रहे इसके 88 वॉट के स्पीकर। तो अब हम इसके मदरबोर्ड को बाहर निकाल लेते हैं। तो मदरबोर्ड को बाहर निकालने के लिए आपको सिर्फ यहाँ पे पुश करना होगा एंड ये बाहर की तरफ आने लगेगी। तो सबसे पहले इसका कनेक्शन हम यहाँ से निकाल देते हैं एंड मदरबोर्ड बाहर आ चुकी है। तो ये रही इसकी मदरबोर्ड। तो ये रहा इसका बैटरी कंपार्टमेंट। तो अब इसकी बैटरी हम बाहर निकाल लेते हैं एंड ये बाहर आ चुकी है। तो ये 3000 mAh की बैटरी है एंड बैटरी काफ़ी स्लिम है, आप इसको इजीली रिप्लेस कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पे इसका जो कंपार्टमेंट है जो यहाँ पे पेस्टेड है, तो उसको हम रहने देते हैं। एंड यहाँ पे इसके बटन्स है एंड यहाँ पे इसके बैटरी लेवल इंडिकेटर एंड पावर बटन है, तो उसको भी हम निकाल लेते हैं यहाँ से, जैसा आप देख सकते हैं। ऑल राइट गाइज, तो मुझे आपको स्पीकर के अंदर का एक ओवरव्यू देना था एंड वो मैं आपको दे चुका हूँ। इसको फटाफट से हम क्लोज कर देते हैं एंड प्ले करके चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले इसकी बैटरी हम लगा देते हैं वापस। तो इसको कम्प्लीटली क्लोज करने से पहले एक बार हम ऑन करके चेक कर लेते हैं। बिल्कुल ये ऑन हो रहा है। तो अगर आप इसका नेकेड बेस टेस्ट देखना चाहते हैं, इसके बेस रेडिएटर को वाइब्रेट होता देखना चाहते हैं, तो आप मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं।
ऑलराइट गाइस, तो ये हमारा आज का वीडियो, आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया था, सब्सक्राइब कर दीजिए, उसके पास एक बेल आइकन होगा उसको भी प्रेस कर दीजिए, उसके बाद इस वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड शेयर कर दीजिए। तो आप देख रहे थे भाई सो टैकी, और मैं मिलता हूँ आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन पीस।